everyone, welcome back in our channel Came by M. I am Manish Kashyap and today I am going to talk about boron. तो दोस्तों आज हम लोग periodic table के पांचवें element boron के बारे में बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये रहा अपना boron. तो boron के बारे में सारी बातें जानने से पहले इसका कुछ बेसिक्स जान लेते हैं. जैसे इसका सिंबल क्या होता है तो बी होता है. एटॉमिक नंबर क्या होता है तो फाइव होता है. एटॉमिक नंबर फाइव होता है इसलिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, फाइव होंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, फाइव होंगे. लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं तो सिक्स होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एटॉमिक वेट का बात किया जाए तो ये 10.8 एमयू होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात किया जाए तो Hg2S2 2P1 होता है, फाइव इलेक्ट्रॉन्स. टाइप क्या है तो मेटलॉइड है. बिलोंग किसे करता है तो 13 ग्रुप और सेकेंड पीरियड और पी ब्लॉक से बिलोंग करता है ये. तो ये है कुछ बेसिक्स बातें बोरोन के बारे में जिसको आप लोग टेंथ से भी जानते होंगे. और इस ये इतना बात तो आप लोग टेंथ से भी जानते होंगे लेकिन इधर का बात अभी 11, 12 के लिए है. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे इसका कुछ इंपॉर्टेंस बात है, ये ऐसी फैक्चुअल बात है इसको याद रख सकते हैं. जैसे द वर्ड बोरोन इज डिराइव फ्रॉम बोरैक्स. ऐसा इसलिए है क्योंकि बोरोन जब सबसे पहले आइसोलेट हुआ था तो बोरैक्स कंपाउंड होता है उससे इसको आइसोलेट किया गया था. तो आप लोग सोच रहे होंगे बोरैक्स का फार्मूला क्या होता है. तो बोरैक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2O. इसको सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट भी बोला जाता है. आप लोग इसको याद रखिएगा फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. इसका कलर क्या होता है तो ब्लैक ब्राउन कलर होता है. इसका फेज क्या होता है मतलब कौन स्टेट में अकर करता है ये, तो सॉलिड में. वो एसटीपी कंडीशन में रहना चाहिए, मतलब एसटीपी कंडीशन में रहना चाहिए. एसटीपी कंडीशन क्या होता है बोलिए बोलिए, 0 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए और 1 ATM प्रेशर रहना चाहिए. जानते होंगे एसटीपी कंडीशन. एटॉमिक रेडियस का बात करें तो 0.9 आर्मस्ट्रांग होता है एटॉमिक रेडियस. आर्मस्ट्रांग के बारे में तो जानते ही होंगे. और मेल्टिंग पॉइंट का बात किया जाए तो 20-70 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है. और बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो वही 4000 के करीब इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. डेंसिटी का बात किया जाए तो 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी होता है. ये डेंसिटी उस समय मेजर किया है जिस समय बोरोन लिक्विड स्टेट में रहता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट के करीब जब ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है उस समय इसको मेजर किया गया है. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात करें तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2 होता है, उसको पॉलिंग स्केल पर ये मेजर किया गया है. ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पर देख सकते हैं कि -5, -1, +1, +2, +3 होता है. लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा केवल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 होता है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात करें तो 27 किलो जूल पर मोल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करें तो इसका 800 किलो जूल पर मोल आयोनाइजेशन एनर्जी होता है. ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का बात हो रहा है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बात करें तो रोम्बोहेड्रल इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है. आप लोग रोम्बोहेड्रल से याद है इसका पैरामीटर्स कुछ होता है. जैसे इसका पैरामीटर क्या होता है तो जैसे A=B=C और α=β=γ, not equal to 90 degree होता है पैरामीटर. ये सॉलिड डिस्ट्रिक्ट में आप लोग पढ़े होंगे या पढ़िएगा. और मोस हार्डनेस पर बात किया जाए तो ये 9.5 होता है. मोस हार्डनेस एक स्केल होता है जिससे मेजर किया जाता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट कितना हार्ड हो सकता है. जैसे इसका स्केल 0 से लेकर 10 तक वैरी करता है. 0 मीन्स बहुत सॉफ्ट और 10 मीन्स बहुत हार्ड. सबसे ज़्यादा हार्डनेस किसका होता है, डायमंड का होता है, 10 होता है. और आप सोच सकते हैं इसका 9.5 है, मतलब ये भी बहुत हार्ड होता है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बात किया जाए तो ये डायमैग्नेटिक होता है. आइसोटोप इसके कितने होते हैं, 2 आइसोटोप होते हैं, 10 बोरोन और 11 बोरोन, जिसमें 11 बोरोन का एबंडेंस 80% होता है एनवायरनमेंट में और 10 बोरोन का 20% होता है. तो ये है कुछ बातें बोरोन के बारे में. अब हम लोग इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं. सो फ्रेंड्स, ये है कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोरोन के बारे में, इंटरेस्टिंग बातें. जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन इज सिमिलर टू कार्बन, मतलब बोरोन का प्रॉपर्टी होता है कार्बन के सिमिलर होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, आप लोग जानते ही हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कार्बन की तरह
बहुत सारे एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करता है। एलोट्रॉप्स क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो ये भी वैसा ही है, मतलब इसका भी डिफरेंट एलोट्रॉप्स होता है। कार्बन का तो आप लोग जानते हैं कि जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर 60 के तौर पर ये एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही बोरोन भी एग्जिस्ट करता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में एक रेड क्रिस्टल के तौर पर बोरोन होता है, एक ब्लैक क्रिस्टल होता है। ब्लैक क्रिस्टल वाला तो बहुत ही हार्ड होता है, जिसका मोस्ट हार्डनेस हम लोग बताए 9.5, और एक पाउडर फॉर्म में भी होता है जिसका कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है। और दूसरा बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब ये है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में ये न्यूट्रॉन को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन मतलब किसी भी रिएक्शन होता है तो न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, अगर बोरोन उसको एब्जॉर्ब न करे तो फ्यूजन रिएक्शन होगा, और बहुत सारे फ्यूजन रिएक्शन के साथ चेन रिएक्शन हो जाएगा, और अगर चेन रिएक्शन कंटिन्यू हो गया तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, वो सिस्टम को पूरा डैमेज कर देगा। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है एज ए न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। इट नेवर अकर एज ए फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में कभी भी अकर नहीं करता, हमेशा कंपाउंड में होता है। जैसे मेनली ये बोरैक्स, बोरिक एसिड में एग्जिस्ट करता है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। बोरोन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इट्स फैमिली मेम्बर, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके फैमिली मेम्बर के जितने हैं जैसे एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया, सब मेटल है, लेकिन ये क्या है, मेटलॉइड है, ऐसा इसलिए है। बोरोन इज यूजफुल डोपेंट फॉर सेमीकंडक्टर्स, ये देखिए, ये तो आप लोग सेमीकंडक्टर में 12th में पढ़ेंगे भी या पढ़ लिए होंगे, मतलब कि ये सेमीकंडक्टर में बोरोन को डोप की तरह यूज किया जाता है, जिससे 4 valence इलेक्ट्रॉन जिसमें रहता है सेमीकंडक्टर में, उसमें ये डोपेंट की तरह यूज होता है, जिससे ये एक होल क्रिएट कर देता है। एक होल क्रिएट कर देता है तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जब भी बोरोन को डोपिंग के यूज में यूज किया जाता है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्रिएट कर देता है। तो ये तो आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे, ये तो जानते होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरोन आर, देखिए बोरोन का दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जैसे ये बोरैक्स जिसके बारे में हम पीछे बात की, जिसका फॉर्मूला भी हम पीछे बताएं, और एक बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को ऑर्थो बोरिक एसिड भी बोला जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसका फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, H3BO3, ये बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके कंपाउंड है। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ बहुत ही मज़ेदार बातें बोरोन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल KM/M को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे पूरे 118 एलिमेंट तक वीडियो बनाऊँगा।